तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग तो देख ही चुके होंगे स्क्रीन पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गूगल फोटो से फाइल में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गूगल फोटो से फाइल में ट्रांसफ़र करके। तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो स्किप करने पर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको जाना है क्रोमा की में। क्रोमा की में जाके गूगल में सर्च करना है गूगल फोटोस। सर्च करके सर्च होने देना है। तो आप देखिए जैसे सर्च हो गया है, इसे आपको आना है नीचे में जैसे सिंग इन गूगल फोटो लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपका गूगल फोटोज़ का खुल चुका है, सब फोटो आ चुका है। आप इसको फाइल में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं चलिए वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है, ये 3 डॉट दिखाई दे रहा है सामने जो, आपको इस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट फ़ोटो, आप जो जो आप चाहते हैं फ़ोटो को फाइल में ट्रांसफ़र करने के लिए आप उसको सेलेक्ट कर लें इस तरह। मैं ज़्यादा नहीं 3 ही कर दूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा ज़्यादा सेलेक्ट करने में, इसलिए मैं आपको 3 ही करके दिखा रहा हूँ। 3 सेलेक्ट होने के बाद आपको फिर से 3 डॉट में क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया है, आप यहाँ पर डाउनलोड मार सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद देखिए नीचे में देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग हो रहा है। डाउनलोड फाइल डिटेल्स पर क्लिक करिएगा। मैं फिर से एक बार करके दिखा रहा हूँ, शायद मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, सॉरी। 3 डॉट पर जाना है, सिलेक्ट फोटो 1 2 3, फिर सिलेक्ट डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर डिटेल्स में मारिए क्लिक, ये देखिए हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको फाइल में जाकर दिखाता हूँ, मैं फाइल में जाकर आपको दिखा रहा हूँ। तो डाउनलोडिंग पर क्लिक करना, तो आ चुका है हमारा फ़ोटो। अब यह रहा फर्स्ट नंबर वाला, तो इसको ओपन करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और कैसा लगा हो कमेंट ज़रूर करें। ये ऐसे ओपन नहीं होगा तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, प्लीज़ लाइक कमेंट करें।